सॉन्ग नहीं किया था अपार्ट फ्रॉम साउथ फिल्म्स. इन साउथ आई डिड अ सॉन्ग विद अजीत कुमार जो तमिल में सुपरस्टार है, अजीत खला. फिल्म का नाम था मंगला जो ब्लॉकबस्टर हुई थी. उसमें मैंने एक सॉन्ग किया था लेकिन हिंदी में नहीं किया था. हिंदी में करने की रीज़न ये था कि पावनी पांडे ने गाया है जिनका लास्ट सॉन्ग अभी सुपर हिट हुआ है रईस फिल्म में, लैला में लैला, सनी लियोनी ने जो किया था. तो मुझे पावनी पांडे की आवाज़ बहुत पसंद आई, थोड़ी एजी थी, थोड़ी सी आजकल के यूथ को पसंद आती है और बहुत ही सुंदर तरीके से गाना फरमाया गया. और मैं आइटम सॉन्ग्स करना नहीं चाहती थी बीच में क्योंकि मैं बहुत बिजी भी थी. मैंने मलयालम फिल्म की मोहनलाल के साथ बीच में, फिल्म का नाम है लैला ओ लैला, जिसमें मैंने लैला का किरदार निभाया था. और मलयालम फिल्म का करने के बाद बीच में तमिल फिल्म की अजीत के साथ, और फिर मैंने पंजाबी फिल्म भी की. फिल्म का नाम है फरार जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें. गिप्पी ग्रेवाल के अपोजिट थी जो पंजाब के सुपरस्टार हैं. एंड देन आई डिड अ फिल्म विद ऋषि कपूर जी जो अभी बीच में रुकी हुई है, उसकी आधी शूटिंग हो गई है. फिल्म का नाम है आई बला को टालतू, कॉमेडी फिल्म है जिसमें दिव्या दत्ता, शिल्पा शुक्ला, शेफाली शाह, ऋषि जी, राम कपूर, काफ़ी अच्छे दिग्गज एक्टर्स हैं. और उसमें भी बहुत अच्छा रोल है मेरा. प्लस रामू के साथ जो मेरी दो फिल्में हैं वो रेडी हो चुकी हैं, वो तो वही डिसाइड करेंगे कब रिलीज़ करना है. एंड अभी मैं पंजाब में फिल्म की शूट फिनिश करके आई हूँ. फिल्म का नाम है जग्गा जियोंदा है, जिसमें दलजीत कलसी के साथ मैं फिल्म कर रही हूँ. उसमें जैकिदा भी हैं और उसमें मैं पुलिस का किरदार निभा रही हूँ. और काफ़ी अच्छा SHO का रोल है जो काफ़ी वायरल भी हो गया है. फ़ोटो पूरे नेट पे इस टाइम व्हाट्सएप में लोगों को लग रहा है कि शायद मैं सचमुच की SHO हूँ. तो काफ़ी जोक्स भी बन रहे हैं कि अगर ऐसी SHO होगी तो हम सब चोर होंगे और बार बार अरेस्ट होंगे और बार बार क्राइम करेंगे. तो अभी तो फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ से वापस आई हूँ और आने के बाद ये पावनी पांडे का ये सॉन्ग तश्नगी फिल्म के अंदर मैं शूट कर रही हूँ. ऑलरेडी कल भी शूटिंग की, आज भी सेट्स पर हैं और बहुत सुंदर सेट बनाया गया है. बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग एन आइटम सॉन्ग. मैंने बहुत सोच समझ के गाना चूज़ किया क्योंकि मुझे मालूम था ये गाना सुपर हिट होगा. और जब अक्षय के साथ आइला रे आइला किया था तब भी मालूम था गाना हिट ही होगा. और ये नगद वाले बाय, नगद वाले हाय, उधार वाले बाय. सो नगद बेसिकली नगद पैसा, नगद वाले हाय एंड उधार वाले बाय. तो इसमें क्या है, ये बेसिकली पंच लाइन है और जो सुपर हिट होगी, काफ़ी कैची लाइन. और हाँ, मज़ा आ रहा है. टोटल 3 कॉस्ट्यूम्स आई एम चेंजिंग एंड सेट बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने. एंड आई थिंक दी आर्ट डायरेक्शन एंड दी डायरेक्शन टीम, एवरीवन इज़ ब्रिलियंट हियर. बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं और फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है. क्या होता है ना, जिसके लिए अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो काम करना और ईजी हो जाता है.